हासिल कर लिए। इमरान खान पहले नवाज शरीफ पर बरसेंगे, फिर मोदी पर गरजेंगे। इमरान खान खिताब में मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद के तीर बरसाएंगे। कप्तान नवाज शरीफ को पनामा लीक्स की तहकीकात में रुकावट का जिम्मेदार ठहराएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, क्या अहम नकात होंगे कप्तान के खिताब के? जी बिल्कुल, इमरान खान ने अपने खिताब के बुनियादी नुकात जो है वो तैयार कर लिए हैं और 92 न्यूज को वो नुकात भी मिल गए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर बरसेंगे और साथ ही जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है मोदी उस पर भी बरसेंगे और साथ मौलाना फजलुर रहमान की कश्मीर कमेटी के हवाले से 10 साल की जो परफॉर्मेंस है उस पर शदीद तनकीद करेंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर उनकी तनकीद होगी वो पनामा लीक, इसके अलावा तहकीकात में जो रुकावट है, इदारों को मफलूज बनाने और साथ ही वो किरात देंगे कि जो अपने हल्फ दिया है बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने हल्फ दिया है उसकी खिलाफवर्जी और आइन की खिलाफवर्जी कहाँ कहाँ हुई। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म का जो इंस्टेंस है उस पर भी बात करेंगे और मोदी को जो मकबूजा कश्मीर में मुजालिम डाले जा रहे हैं और जो मुसलमानों पर जो जिंदगी जो उसने तंग कर रखी है उसको शदीद तनकीद के साथ साथ तो पाकिस्तान की अस्करी कुवत है उस हवाले से भी मोदी को ललकारेंगे। इमरान खान के खिताब में गुरबा, किसान, मजदूर, उनके जो हकूक की पमाली है और खास तौर पे मुल्की सियासी मंजरनामा वो मौजूद होगा। नवाज शरीफ को अपने खिताब में वो यकीनी तौर पे जो इमरान खान का खिताब होगा उसमें वो जिद की बात भी करेंगे कि जो तहकीकात में नहीं शुरू की जा रही। साथ इमरान खान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की जो पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उसमें जो नरम रवैया इख्तियार किया गया है पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान के खिताब का ये भी हिस्सा होगा और साथ ही जो गैर मुल्की और मुल्की कर्जों पर पाकिस्तान का गैर मामूली इन्हसार है इमरान खान उस पर भी बात करेंगे कि इससे किस तरह निकला जा सकता है और कितने कर्जे बढ़ चुके हैं उसमें क्या क्या जिम्मेदार है इस हकदार की बात की जाएगी और बाकी जिम्मेदारान पर शदीद तनकीद की जाएगी। तो इमरान खान की किताब का मतन तैयार हो गया है। ठीक है, यानी कि पनामा लीक्स और मसला कश्मीर समेत अहम मामलात पर कप्तान गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अतिका अपडेट करने के लिए।